नमस्कार मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ सभी लोगों के समक्ष लॉटरी के बारे में आपने सुना भी था लॉटरी भरी भी थी कुछ बच्चों का निकला कुछ का नहीं निकला पर उस समय आप सभी लोगों को पता है हमने एक अनुशासन बैच की स्थापना करी थी जो कि एक बहुत सुंदर बैच है जो कि लॉटरी अभी निकली थी वो थी किस्मत की और अब लॉटरी किसकी थी अब लॉटरी है मेहनत की किसकी है मेहनत की तो जो अब मेहनत की लॉटरी है किसकी लॉटरी है मेहनत की अच्छा मेरे साथ कौन खड़े हुए हैं जानते हैं कि आप लोग मैं बताता हूँ मेरे साथ खड़े हुए हैं हमारे कंटेंट हेड जेसी सर जिनको करीब 20 वर्षों का अनुभव है कोटा में गणित पढ़ाने का अपने आप में एक महान गणितज्ञ हैं आप सर और बहुत सारे आईआईटींस को निकाल चुके हैं अब कंटेंट हेड करते हैं मोशन का और इस बार अनुशासन बैच की बागडोर भी सर ने अपने हाथ में ली है तो जो एकेडमिक सर ने दे दी है तो एकेडमिक जितनी भी मॉनिटरिंग आपकी पिटाई लगाना आपका कंटेंट तैयार होना टाइम से लाइव क्लासेस होना उसके डिस्कशन होना उसका सब कुछ होना अच्छा हम आए किस लिए वीडियो किस लिए जल्दी से सुन लो बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं बहुत बढ़िया अनुशासन बैच को रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि मेहनत की लॉटरी में आप सभी लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो हमने जो अपना बैच लॉन्च करा था दस अगस्त वाला वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग की तरफ है बल्कि वो क्लोज हो चुका है अब हमारा नया बैच आएगा सत्रह अगस्त को पर हमारे पास बहुत सारे सवाल बच्चों के आ रहे हैं कि सर ये क्या होगा ये क्या होगा मैं और जेसी सर मैं और जेसी सर इन उन सवालों के आंसर आपके पास लेके आए हैं फिर से एक बार वीडियो चालू करने से पहले आप सभी लोगों का इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद बार बार कहता हूं कि आपका प्रेम ही हमारी ताकत है और विश्वास से कहता हूं ये अनुशासन बैच जो मैंने अपने लाइव लॉटरी में भी बोला था फिर से ये बात बोल रहा हूं कि अनुशासन बैच ये स्वार्थ से प्रेरित नहीं शिक्षा से प्रेरित है और फिर से इस मंच के माध्यम से वादा करता हूँ कि इससे कमाई हुई सारी कमाई वापस बच्चों पर ही लुटाई जाएगी इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है और कुछ पैसा कुछ नहीं काफ़ी सारा पैसा अपनी जेब से भी लगाया जाएगा बस हमें आप

बट आपको क्योंकि इसमें लेक्चर्स मिलेंगे तो आपको अनुशासन खुद रखना है, है, है।, है तो आप तो आओ पर यह बात सच्चाई कि पढ़ाएंगे बिल्कुल पेडागॉजी बिल्कुल सेम होगी कोटा वाली और बार बार मैं आपको कहता हूं इसकी पेडागॉजी जो पढ़ाने की है वो सिलेक्शन वाली है खुश करने वाली नहीं तो हम खुश करने वाला नहीं पढ़ाएंगे हम आपको खुश करके सिलेक्शन वाला पढ़ाएंगे बिल्कुल तो खुश करके सिलेक्शन वाला पढ़ाएंगे बच्चों के कुछ कुछ जो आंसर आ रहे हैं, वो मैं आपसे पूछ है पर मैं लिख देता हूँ दस अगस्त वाला जो आपका बैच है, ये तो है वो नया जो फेज है नेक्स्ट फेज वो है सत्रह अगस्त सेवनटीन अगस्त को फेज टू फेज टू चालू जिसकी लास्ट डेट है सोलह अगस्त तक एनरोल कर सकते हैं और कैसे एनरोल करना है मोशन लर्निंग ऐप के थ्रू या वेबसाइट पर जाकर के वो आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला हुआ है आप वीडियो देख सकते हो कि कोर्स को कैसे परचेज करना है तो अनुशासन बैच में एडमिशन कैसे लेना है वो आप देख सकते हो वहाँ से लास्ट डेट ध्यान रखना कौन सी है सोलह अगस्त ठीक है सोलह अगस्त को और लास्ट अपना सेकंड फेज चालू हो रहा है सत्रह अगस्त को तो दस अगस्त वाला जो फेज है वो क्लोज हो चुका है उसमें हमारे बैचेस बन चुके हैं सभी अपने इलेवन ट्वेल्थ और थर्टीन के लिए अब सत्रह अगस्त को आपको बेचारा बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसमें कुछ गड़बड़ नहीं करनी है बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको हम आपको सवाल लोगों के उत्तर देने वाले हैं जो जो जनरली बच्चों ने पूछे हैं ये आप सब लोग जानते हो कि कैसे अपना शेड्यूल चलने वाला है फिर भी मैं एक बार आपको बता दूँ कि डेली रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको लेक्चर वाइज शेड्यूल मिलेगा प्रॉपर शेड्यूल जो मैंने आपको लॉटरी वाले वीडियो में भी बताया था प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा ऐसे कि अच्छा आपको सत्रह अगस्त को ये वाला लेक्चर देखना है वैक्टर का वन वैक्टर का वन मोल कॉन्सेप्ट का वन सेल का वन अगर मेडिकल के हो या उस पहला टॉपिक कौन सा है तो उसका पहला लेक्चर देखना है फिर आपका लाइव इंट्रेक्शन सेशन आ जाएगा इसके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर होंगे जब लाइव इंट्रेक्शन सेशन होगा जब लाइव इंट्रेक्टिव सेशन होगा तो प्रैक्टिकली आपको टीचर प्रॉपरली और सीनियर टीचर सर भी आएंगे मैं भी आऊंगा कम से कम जिन्होंने 2000 बच्चे कोटा में पढ़ाकर आई में या मेडिकल में 2000 बच्चे पहुंचा दिए हैं वो ही टीचर आपको पढ़ाने आएंगे हल्का कोई नहीं आएगा प्रॉपर कोटा की पैटागोजी होगी फिर कह रहा हूं कुछ करके सिलेक्शन वाला पढ़ाएंगे सर कुछ करने वाला नहीं वीक में सर तीन लाइव सेशन मिलने वाले हैं एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का एक मैथ्स का नीट वालों को एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का एक बायो का क्या बात है और कंप्लीट एकेडमिक प्लानर आपको ऐसे वीकली मिलता जाएगा जो मैं आपको कह रहा हूं जो आपका आपके हम व्हाट्सएप बनाएंगे ग्रुप बने व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे प्रॉपर बैच वाइज उसमें आपको शेड्यूलिंग आती जाएगी बहुत बढ़िया ऐसी डेली प्रैक्टिस शीट जो आपके लेक्चर्स हैं उसके नीचे डली हुई है लेक्चर के नीचे जो आपको एप पे लेक्चर बोला गया वेक्टर वन तो वेक्टर वन का जब आप लेक्चर देखने जाओगे इस, इसके बारे में भी ने अपना जो वीडियो है जिसका आई लिंक दिखाई दे रहा है उसमें सब कुछ आपको दिखाई देगा पर आप ऐप को भी एक्सप्लोर कर सकते हो तो जो वैक्टर का जब आप लेक्चर देखोगे उसके नीचे आपको दिखाई देगी डीपीपी मतलब ये करनी है सर मैंने डीपीपी में डाउट आ गए कोई दिक्कत नहीं है डीपीपी के टेक्स सोल्यूशन भी बने हुए वीडियो सोल्यूशन भी बने हुए और फिर भी डाउट आ गया तो मोशन लर्निंग ऐप पर डाउट के फीचर पर जाओ पोस्ट करो डाउट का आंसर मिलेगा और फिर भी डाउट रह जाए तो सुनो क्या मैं डीपीपी के सवालों के टेक्स सोल्यून देख सकता हूँ क्या वीडियो सोल्यूशन देख सकता हूँ क्या मैं डाउट पोस्ट कर सकता हूं हाँ। क्या मैं लाइव सेशन में डाउट पूछ सकता हूं हूँ yes. चार तरीके से बिल्कुल चार तरीके से चार तरीके से आप डाउट पूछ सकते हो चार तरीके से याद रखना एकदम उसके बाद टेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन जो संडे बोला अच्छा इसके इसके बारे में भी अपन बोलेंगे मेरे हिसाब से बच्चों ने सवाल पूछे हुए हैं तो बच्चों के सवाल से चालू करते हैं सर बच्चों ने क्या क्या सवाल पूछे क्या सर के लेक्चर भी मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे 110 मिलेंगे मेरे लेक्चर दिखाई दूंगा मैं आपको मेरे लेक्चर देख लो आपको दिखाई देंगे जो हमारे उसमें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे कोई कष्ट वाली बात नहीं है वरी, पक्के से। और जो भी टीचर्स आएंगे वो सब सीनियर ही होंगे बिल्कुल आर सर एन सर ए सर एम सर जे सर ए सर एल सर जे सर सब मिलेंगे आपको और जितने भी कोटा में आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे जिनको कम से कम दो बच्चे सेलेक्ट कराने का एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 2000 सफलताएं 2000 सफलताएं ऐसे टीचर जिन्होंने कोटा में कोटा की बात कर रहा हूं मैं कोटा में पढ़ाए हुए टीचर्स मिलेंगे ऐसे आपको। कोटा में 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 जो सीनियर टीचर्स ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं वही या वीकली लाइव सेशन में भी आएंगे 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 कंफर्म इसलिए कहना है, इस बैच का बस नाम ही अनुशासन रखा है कि अगर आपने अनुशासन रख लिया तो आपका बात बन जाएगी और आप सब लोगों को बताओ लॉटरी वाला वीडियो नहीं देखा तो देखो और जो मेरा वीडियो है जिसमें ये पूरा अनुशासन बैच के बारे में बताया गया है कि मेहनत की लॉटरी कैसी है ध्यान से समझना अच्छे से कि अगर आप इसमें अच्छा करें और उसका क्राइटेरिया भी पूरा बताया है। अगर आपने अच्छा करा आपने सारे सवाल अटेम्प्ट करे आपने अपने लेक्चर सारे देखे आपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करा पूरा डिसिप्लिन रखा तो इन सभी में से पचास बच्चों को जैसे कि इलेवंथ नवंबर को उसके बाद थर्टीन को शायद छब्बीस दिसंबर को ऐसे हम बच्चों को बुला रहे हैं पचास पचास के लॉट में जिन्हें हम कोटा में फ्री क्लास देंगे जब तक कि उनके एग्जाम खत्म ना नहीं हो जाएंगे उसकी डिटेल आप अलग से देख सकते हैं अलग जो अपना वीडियो है उसमें तो लाइव सेशन मिलेंगे सभी इन्हीं टीचर्स के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सिर्फ एक्सपर्ट्स मिलेंगे और लेक्चर किनके मिलेंगे जो एक्सपर्ट है वो तो उन्हीं के ही है अच्छा आप ये मान के चलो कि हम 90 परसेंट ये प्रयास करेंगे कि जिसका लाइव लेक्चर आप देखोगे रिकॉर्डेड लाइव सेशन लाइव भी सेशन भी उसी का हो हंड्रेड परसेंट नहीं है बट काफी हद तक ये हम प्रयास करेंगे कि जिसके रिकॉर्डेड लेक्चर हो उसी का लाइव सेशन होगा होगा चलिए रिकॉर्डेड और लाइव का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा आप सब लोग जानते हैं अगर मैं बात करूं तो इलेवंथ में जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दूं इलेवंथ में आपको तीन से चार लेक्चर हर वीक रिकॉर्डेड देखने के लिए बोलेंगे क्या देखने के लिए बोलेंगे रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड और फिर इसके साथ एक क्या हो जाएगा लाइव एक उस... हर सब्जेक्ट में एक एक, एक, -एक. ऐसे अगर अपन ट्वेल्थ की बात करें तो तीन से चार की बजाय चार से पांच होंगे और अगर थर्टीन तो से छ होंगे तो मान के चलिए कि अगर मैं रिकॉर्डेड और लाइव तो में बात करूं तो अपन ये मान के चले कि सोलह से सत्रह क्लास होंगी इलेवंथ में बिल्कुल और अगर में बात करूं करू अठारह से बीस होंगी और अगर थर्टीन में बात करूं रिकॉर्डेड लाइव मिला के बाईस से चौबीस ये अपनी कहानी चलने वाली है और ऐसे आपको होने वाला है फिर से रिकॉर्ड लेक्चर में आप पूरी ढंग से थ्योरी पढ़ोगे अच्छा रिकॉर्ड लेक्चर जनरली ये रिकॉर्डेड लेक्चर क्लासेस के हैं तो जैसे हम बिल्कुल क्लासेस में पढ़ाते

तो अपने को ये गड़बड़ नहीं करनी है कि यार बाद में देख लूंगा ये नहीं करना है बस मैं तो कह रहा हूँ टाइम फिक्स कर लो कि भाई अगर रोज मेरे को तीन चार घंटे लेक्चर देखने के लिए मिल रहे हैं जो मेरा काम है तो मैं रोज क्लास ही सोचूंगा उसको बस इतनी बजे कोचिंग गया और इतनी बजे कोचिंग से आया यही समझ लो कि घर पे हूं तो कोचिंग में ही हूं यही करना है अपने को चलिए आगे चलते हैं क्या हमें मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। आपको जो मोशन की एक्साइज शीट है बिल्कुल वैसे ही मिलेगी। यहां पर एप की में मिलेगी।, में मिलेगी? में मिलेगी एप, पे खुलेगी।, एप पे खुलेगी देखो ऐसे इस तरीके ये. ये दिख गई आपको ये, ये यहां पर लेक्चर्स है ये, ये, ये वीडियो नोट्स ये ये नोट्स कौन से जो कि आप कई बच्चे पूछते सर थ्योरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये री. पर ये पे गए, पे जैसे ही आप क्वेश्चन पे अपन ने दबाया सवाल आने लग गया स्टार्ट कर दिया सवाल आने लग गया सवाल जैसे ही आपका आया ध्यान समझो इस सवाल का आपको फिर से डाउट के लिए क्या करना है आपको इसका टेक्स्ट सोल्यूशन भी अवेलेबल है और वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल है क्यों सर सही बोल रहा हूँ बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को जैसे ही आप यहाँ सॉल्यूशन पे आ जाएंगे सॉल्यूशन देखोगे टेक्स खुलेगा, नहीं समझ में फिर भी कुछ अटक जाए तो डाउट उस पर डाल दो अपने जो ऑनलाइन डाउट है उस पर ऐसे वीडियो सॉल्यूशन भी दिखाई देगा और ऐसे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन भी दिखाई देगा बिल्कुल क्लियर है क्या पक्का चलिए तो डाउट क्लियर करते जा रहे हैं क्या थ्योरी नोट्स उनकी वीडियो मिलेगी बिल्कुल अभी बिल्कुल जो दिखाया दिखा था आपको पीछे देखो यहाँ पे था ना ये नोट्स कहा गए देखो ये रे, ये, रे, ये 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 रे नोटस। नोटस। ये नोट्स 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 आपको आराम से दिखाई देंगे बिल्कुल थ्योरी दिखाई देगी उनकी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है चलिए और क्या क्या सवाल थे जनरली ये वो सवाल हैं जो बच्चे हमसे पूछ रहे हैं तो टीम ने तैयार करेगी सर इनके आप आंसर दे देंगे तो ठीक रहेगा चलिए भाई बहुत बड़ा क्या थ्योरी नोट्स मिलेगी उनका आंसर बिल्कुल पीडीएफ मोशन लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है डाउनलोड नहीं होगी लेकिन वहीं पे ओपन होगी और मोशन लर्निंग के वेब वर्जन पे भी अवेलेबल है एंडिंग में हो जाएगा तो हम एग्जाम तक कैसे स्टडी करेंगे अगर सिलेबस फरवरी में एंड हो जाएगा तो सर एग्जाम तक कैसे स्टडी करेंगे ये पूछ रहे बच्चे पूरा सिलेबस होने पर आपकी कुछ कुछ लाइव क्लासेज और टेस्ट सीरीज चलती रहेगी रिविजन क्लासेज चलती रहेंगी और टेस्ट सीरीज चलती रहेगी यूनिट वाइज मेजर टेस्ट भी होंगे फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे एग्जाम तक होंगे बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस बैच से मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ सिलेक्शन चाहिए कंफर्म बस कंफर्म बाकी हम पिक कर लेंगे आप टेंशन मत लीजिए आपको अनुशासन रखना है हमारी गुरु दक्षिणा दो है जो हम दे रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है उसकी कोई कीमत है नहीं इतनी इतनी सी प्राइस से कुछ होने वाला नहीं है बट द पॉइंट इज वो इसलिए रखी गई है ताकि कई बार बच्चों को फ्री की वैल्यू नहीं होती है उनको लगना चाहिए कि मैंने मेहनत करके ये अर्न करा है बिल्कुल सिंपल सा गेम ये है चलिए अगला सवाल लॉन्ग टेस्ट काउंट कितना रहेगा मतलब ये पूछना चाह रहा है कितने सारे टेस्ट होंगे तो कुल मिला के मेरे हिसाब से लगभग 25 के लगभग टेस्ट होने वाले 25 से ज्यादा ही होंगे हमने 35 प्लान करें करीब करीब मेजर टेस्ट भी होंगे फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे तो मोर देन 25 हो जाएंगे तो अपन 25 से 35 के बीच में आपके टेस्ट होंगे टेस्ट खूब सारे मिलेंगे डोंट वरी अच्छा ये तो वो है जो रेगुलर आपके बैच के हिसाब से होंगे बाकी आप अगर देखोगे तो आपके जो ऐप है उस पर वाई क्यूज सारी चीजें आपको लगातार दिखाई देंगी बिल्कुल गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है आराम से पी वाई क्यू दे सकते हो मॉक टेस्ट बहुत सारे की, सुनो सवालों की कोई कमी नहीं है हमारे पास साढ़े सात लाख सवाल है करना तो चालू कर <laughs> सर के सर के अंडर में ढाई सौ लोगों की टीम है जो सिर्फ कंटेंट की तैयारी कराती है सिर्फ कंटेंट की कोटा अच्छा, सवाल तो को सवालों को जितना प्रैक्टिस करोगे ना अनुशासन बैच में आपकी काउंटिंग आपकी प्रेफरेंस जो कोटा आने की है फ्री वो उतनी ही बढ़ेगी बिल्कुल हाँ, सही बात है हाँ. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने चांसेस की हम आपको सेलेक्ट करें कोटाने के लिए क्योंकि हमने सिर्फ क्राइटेरिया टेस्ट ही रखा है हमने एफर्ट को भी उतनी ही उतना ही वेटेज दिया है जितना है स्कोर को दिया है तो एफर्ट और स्कोर दोनों के कॉम्बिनेशन से आप सेलेक्ट होगे जब आपको कोटा आने का फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा तो याद रखना एफर्ट एफर्ट काउंट होगा ऐसा नहीं कि वीडियो लेक्चर देखा और प्रैक्टिस नहीं करी नहीं प्रैक्टिस भी करनी प्रैक्टिस भी करनी है समय देना है सवालों को सही करा है गलत करा है कितना टाइम स्पेंड करा एनालिसिस आएगा पूरा क्योंकि सवालों से वास्तविकता में आप आगे बढ़ सकते हो क्या मेरी लॉटरी कोड में क्या मेरी लॉटरी कोड में मेरे फ्रेंड को भी रेफर कर सकता हूं <laughs> क्या आप ऐसा कर सकते हैं सोलह अगस्त तक कर <laughs> बिल्कुल, सकते हैं ये मेरे है। को पता नहीं था ये सवाल है है। और इसका आंसर उन्होंने क्या लिखा बिल्कुल है। क्योंकि हमने सर लॉन्च कर दिया है सोलह अगस्त तक तो ऑब्वियसली अब आप अपने फ्रेंड दोस्तों को बता दीजिए कि मेरी लॉटरी कोड डालिए उसके अंदर और जो कोर्स तीस का था वो थ्री ट्रिपल नाइन में ले लीजिए फेज ट्री ट्रिपल नाइन तक का ही है सोलह अगस्त तक ओनली सिक्सटीन अगस्त मध्य तक फिर मैं कह रहा हूँ बार बार आपको कह रहा हूँ ये प्राइस कोई बिल्कुल ज्यादा नहीं है प्राइस प्राइस कुछ है भी नहीं जो जिस तरह का कॉन्टेंट तैयार है बट हाँ ठीक है आगे चलते हैं मॉड्यूल और डीपीपी के अलावा प्रैक्टिस के लिए और क्या क्या मिलेगा जैसी वाले पी वाई क्यूज मिलेंगे आपको बहुत सारे पी वाई क्यू जो आपने बोला मोशन लर्निंग है पे पी क्यूज ईयर वाइज भी और टॉपिक वाइज भी हैं और मॉक टेस्ट पेपर्स में आपको बहुत सारे फुल सिलेबस टेस्ट पेपर्स मिलेंगे और सही बताऊँ तो एक और चीज मिलेगी जो यहाँ लिखी हुई है जिसे हम बोलते हैं सीपीएस पर ये उन्हीं को मिलेगी सर सी पी एस ये परफॉर्मेंस बेस पे मिलेगी जो अच्छा करे बिल्कुल अच्छा करे सीपीएस हमारी तेरह सो प्रैक्टिकली सब प्रैक्टिस शीट है सब टॉपिक्स पे क्या है प्रैक्टिस शीट्स सब टॉपिक लेवल पे ये सब टॉपिक लेवल क्या है अगर आप बहुत अच्छे से समझे तो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी को तेरह सब टॉपिक में टूटा हुआ है थोड़ा तो हुआ अब जैसे मान लीजिए मैं फिजिक्स का बच्चा हूं अब मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ और मैं बार बार देखता हूँ यार मेरे है ना कैपेस्टर में आरसी सर्किट के सवाल बहुत गलत होते हैं बार बार मैं आरसी सर्किट के सवाल गलत कर देता हूं तो मुझे आरसी सर्किट के सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आप अगर सीपीएस में जाओगे तो आरसी सर्किट पे एक प्रॉपर डीपीपी बनी हुई मिलेगी सारी नहीं करनी है आपको सारी नहीं करनी है तेरह सौ डीपीपी आपको सारी नहीं करनी आपको वो करनी जो आप है जो आपकी मिस्टेक्स है या आप कब करोगे जब आप मेहनत करोगे मेहनत करोगे तभी कमियां पता पड़ेगी और कमियां पता पड़ेगी तभी आप उसको एनालाइज करने के लिए आप एनालाइज कर लोगे कि ये मेरी मिस्टेक्स हैं टॉपिक वाइज तो फिर उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए तभी ये काम आएगी पर यह तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे ये एकेडमिक टीम डिसाइड करेगी कि कौन बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और किसे सीपीएस मिलनी चाहिए किसे नहीं मिलनी चाहिए सिंपल सी बात 100 परसेंट इसका लाइव होगा जिसके ऐप पे पांच हजार से ज्यादा सवाल अटेम्प्टेड होंगे उसको मिल जाएगी बिल्कुल सिंपल है सिंपल है आपको मिल जाएगी अपने आप अभी आप देखेंगे तो आपको सीपीएस नहीं मिलेगी वहां लिखा रहा हुआ ट्रिपल लाइन अभी नहीं, नहीं, नहीं मिलेगी अभी नहीं मिलेगी मेहनत के बाद मिल जाएगी अपने आप डोंट वरी अबाउट इट मेरे डाउट कैसे क्लियर होंगे इस इसमें हम बात बता चुके हैं चार तरीके से डाउट चार तरीके से आपको बताया था फिर से देखिए एक बार आपको टेक्स सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन टेक्स सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन आस्क डाउट ये कहाँ पे फीचर है आपको ऐप पे दिखेगा ऐप पे फीचर है डाउट का चौबीस घंटे में आपके डाउट क्लियर हो जाएगा और चौथा लाइव, लाइव लाइव सेशन लाइव सेशन लाइव में भी डाउट पूछ सकते हो तो ये चार तरीके हैं जिससे आपके डाउट क्लियर होंगे और मैं आपको बता दूं जो ये तरीका मैं आपको कह रहा हूँ क्यों मेरे को ये बैच का आइडिया आया है हंड्रेड परसेंट लाइव भी क्यों नहीं कर रहा हूं ये भी मैं आपको बता रहा हूं पिछले दो साल में हमारे आपने अभी रिजल्ट देखे हो तो आई एम बी बहुत शानदार रिजल्ट आया अभी बीस बच्चे आए हमारे पांच सौ के अंडर और बताते हुए सर मुझे बहुत खुशी हो रही है ये पांच सौ बच्चों में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो हमारे सिर्फ जिसने डी एल पी ले रखा हो या जिसने हमारी सिर्फ टेस्ट सीरीज ले रखी हो नहीं ये सारे बच्चे हमारे अध्यापकों से पढ़े हैं चाहे बात है कोरोना था तो कुछ हंड्रेड परसेंट लाइव में पढ़े हैं पर जो मैं आपको फिजिक्स में सर इनमें से बहुत सारे बच्चों की हंड्रेड परसेंट टाइल आई है और सर जिनकी हंड्रेड परसेंट टाइल आई है ना सर उनको मैंने अनुशासन बैच की तरह ही पढ़ाया है आपने सिर्फ उनको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवाई उनको पता है क्या करता था मैं सब

और जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा मेहनती हैं, बच्चे हैं जो मेधावी छात्र हैं जो इंटेलिजेंट हैं उनके लिए तो क्या चाहिए प्रैक्टिस अनुशासन में जो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है उसको तो ज्यादा चाहिए बेसिकली आपको लेक्चर देखने बड़े लाइव सेशन में उसका जब टीचर लाइव सेशन में आएगा तो डिस्कशन नहीं कराएगा वो जो आपको, जो आपको आपके चार लेक्चर थे उनसे उन उनके बेस अच्छे से सवाल भी कराएगा कोई नया कॉन्सर्ट भी बताएगा फिर आपको ऐसा समझो कि अगर डेढ़ घंटे का आपका लाइव सेशन है तो उसमें से तीस पैंतीस मिनट वो आपको समराइज करेगा कहीं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी तो वो भी वो भी बताएगा और फिर आपके लाइव सेशन वो लेगा सो तो वील ट्राई कि आपको बेस्ट सोल्यूशन इसके मिल सके तो मोशन लर्निंग ऐप पर ऑनलाइन डाउट पूछने की फैसिलिटी है मेरे हिसाब से मैंने सारे सवालों के आंसर लगभग लगभग लग लग दे दिए हैं फिर से 10 अगस्त का बैच आपका जो है फुल हो चुका है क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक बैच में कोई हजार हजार बच्चे रखेंगे बच्चे वाइज सिस्टम है तो हमारी भी कैपेसिटी एक लिमिट से ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे और क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हम इसको अच्छे से चलाना चाहते हैं जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ कि खूब सारे बच्चे इनरोल करने तो अगर आप कर सकते हो तो इसमें डिले मत करो आप क्योंकि सत्रह अगस्त के बाद हम कोई फेज लाएंगे अभी मेरे को डाउट है है ना तो एक दस अगस्त वाला क्लोज हो गया है सरह अगस्त वाले में फटाफट इसको कर लो अगर अपने को करना है तो क्योंकि उसके बाद मैं लाऊंगा नहीं लाऊंगा गारंटी नहीं है अभी हमें हमारी रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे पड़ेंगी क्लासरूम भी चल रही है और क्वालिटी टीचर्स अवेलेबल टीचर सीचर सभी अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं तो इसलिए आप उसको उसमें डिले ना करें फिर बार बार कह रहा हूँ अगर आर्थिक परिस्थिति नहीं है और आप अनुशासित हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है फिर से एक बार हमारे साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद थैंक यू थैंक यू